हेलो दोस्तों, माई सेल्फ आकाश। और दोस्तों, अगेन हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके कमेंट्स भी आए हैं कुछ लोगों के। तो दोस्तों देखो, हम उसी बेसिस पे करेंगे जिस पे करते आ रहे हैं, जैसे 11th 12th का ही दोनों लेके चलेंगे। बल्कि जो सिलेबस को अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो न्यू NCERT है उसमें कुछ रीजंस लिखे हुए हैं क्यों सिलेबस क्यों रिड्यूस किया गया है। उसमें कोविड का रीज़न दिया गया है साफ साफ, अगर आप देखोगे। ठीक है, तो मैं सिलेबस को लेके कुछ नहीं बोलूँगा अभी तो, क्योंकि मेरे लिए तो क्लियर है कि अगर कंपटीशन का एग्ज़ाम है तो ये थोड़े ही आपको थोड़ा सा सिलेबस देंगे वो, क्योंकि बच्चे भी तो बाहर करने होते हैं ना उनको। तो मैं तो, अगर आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराना है तो 11th 12th दोनों के रखेंगे। और जो हमारा एक क्राइटेरिया रहेगा प्रैक्टिस करने का, वो ओनली NCERT के ऊपर ही बेस्ड रहेगा। हम NCERT से बाहर नहीं जाने वाले बिल्कुल भी, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे बाहर से। सबसे देखो, तैयारी करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप जो 80-90% एग्ज़ाम में आने वाला है उस पर फोकस कर लो, या फिर जो 10% आ रहा है उस पर फोकस कर लो। ठीक है, तो हमारा फोकस जो 80 से 90% तुम्हारे एग्ज़ाम में आ रहा है, जबकि 95% ही NCERT से आना है, हम उस पर फोकस रखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है 2 आंसू का, तो आप भर दीजिएगा। ठीक है, 31 मई तक डेट है फॉर्म भरने की। और काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं वेटनरी के, जिसको जो कोई सी भी स्टेट का है वो अपने स्टेट का भर सकता है। ठीक है, और आई होप आपने नीट का भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप थोड़ी सी ना थोड़ी सी प्रिपरेशन होगी। अगर आपको थोड़ा सा मतलब ये जानना है, मतलब ये कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर भी वीडियो चाहिए, चैप्टर्स के ऊपर, तो वो भी सोच लेंगे बाद में, लेकिन अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो हम बेसिकली जो हमारा फोकस रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ही रहेगा अब फिर दोबारा से। और सिलेबस के लिए आप के लिए मैं कुछ नहीं कहना सकता ज़्यादा कुछ, क्योंकि अब आप देख लो यार, कंपटीशन है, और ये थोड़े कि आपको थोड़ा सा सिलेबस दे के वो कॉम्पिटिशन पार करा देंगे। ठीक है, वैसे अगर आपकी इच्छा है तो आप 12th पढ़ के जा सकते हो, उसमें उसने बोला तो है, पर हमारा जो प्रैक्टिस का क्राइटेरिया रहेगा वो 11th और 12th के ऊपर ही बेस्ड रहेगा। चलो ठीक है, फॉर्म भरो और स्टार्ट हो जाओ, 1-2 दिन में हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।